तो शुरुआत सबसे पहली खबर के बारे में, लेकिन आपको पहले एक क्विक अपडेट हम दे दें। ऐसा कल विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया था लेकिन अब वापस ले लिया। उससे जुड़ी पहले आपको बाई सुनाते, राजीव शुक्ला ने क्या कहा। पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसीसी चीफ की राय ली, विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात की, और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे काम से बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर से उनसे सबसे बात हुई, और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये अब अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। अब देखिए, राम मंदिर के बाद बीजेपी के सियासी तर्कश से एक दूसरी बड़ी खबर आई है, और देखिए दूसरा बड़ा तीर निकालने की तैयारी है। ये तीर देश में कभी भी लागू कर सकता है सीए, और कहा जा रहा है इसका नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है। इसके लिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अधिसूचना लागू करने की पूरी तैयारी की है, और ये कभी भी हो सकता है। ये रिपोर्ट पहले आप देखिए। बीजेपी के तर्कश में नया बाण, सबसे बड़ा तीर एनडीए 400 पार, पहले राम बाण अब चलेगा सीएए तीर, अब सीए की बारी, बीजेपी की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के आम चुनाव से पहले सीए लागू करके बीजेपी के एक और वादे की गारंटी जनता को देना चाहते हैं। इसके पारित होने के करीब 3 साल बाद यानी 29 नवंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीए लागू करके ही रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए, बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला था। फिर 3 जनवरी को एक मीडिया रिपोर्ट में शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार ने सीए के नियम तैयार किए हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इसे अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सूत्र भी कह रहे हैं कि एक बार फिर नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, इससे पात्र लोगों को सीए कानून में भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और अब कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बताया गया है कि सीए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए ड्राई रन पहले ही किया है। सीए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। देशों के प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने के लिए सीए कानून लाया गया है। ये पीड़ित अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई समुदाय के हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। उनको सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई आने से नहीं रोक सकता। हालांकि सीए को लेकर सरकार इसे लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।
बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2019 में सीए को संसद से पास कराया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया था। इस दौरान संसद ने सीए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। 2019 में लोकसभा राज्यसभा से बिल हुआ पास। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में सीए के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। इससे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 यानी सीए पेश किया था, तब इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किए जाने थे। इसमें कई बदलाव शामिल थे। इसमें भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। अब जब सीए को संसद और राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है, तो इसे लेकर देश में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। संसद में भी काफी बहसबाजी हुई। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सीए के विरोधियों ने ये तक कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि इससे किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, विपक्ष और विरोधी हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने में जुटे हैं। बहरहाल बीजेपी के 370 और एनडीए की 400 पार सीटों के तय लक्ष्य के सामने विपक्ष और उनका इंडिया गठबंधन लगातार टूट की ओर है। और इसके बाद अब जब बीजेपी के तर्कश से सीए का तीर चलेगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास इसे झेलने की कोई ढाल मौजूद नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़ा। तो रिपोर्ट आपने देखी, जहां सीए को लेकर जो खबरें आ रही है, जहां नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए जल्द ही पूरे देश में लागू हो सकता है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दाव खेलने की तैयारी कर ली है। देखिए, अब कहीं ना कहीं इसे लागू करने पर चुनावों के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है, जिसका पूरा लाभ भाजपा और एनडीए में उसके सहयोगियों जो दल है उनको मिलना तय माना जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी भी वक्त अधिसूचना लागू कर सकता है। काफी बड़ा मुद्दा रहा है ये पूरे देश के लिए, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि इसको लागू करने का समय आ गया है, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को सीए लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जी हाँ, देखिए, इस बीच बहुत सी ऐसी खबरें फैली थी कि सीए जो कानून है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के लिए बेकार कानून है, खराब कानून है, और ऐसे तमाम विपक्षी नेता थे जिन्होंने ये कहीं ना कहीं लोगों का माइंड वॉश किया था। अब जिन लोगों को सबसे ज्यादा डर था, लेकिन ये कानून भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए उनका रास्ता भी खोल देगा। आपको बता दें, जब इसको लोगों के बीच लाया गया था तब पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, लोग धरने पर बैठे थे, और कई ऐसे नेता भी थे जिन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में ये कानून लागू होगा, सीएए, और आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक सीए लागू करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है और कभी भी इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब 3 देशों के प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने के लिए सीए कानून लाया गया है। ये पीड़ित अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई समुदाय के हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार सीए लागू करने जा रही है, और सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले पहले सीए अमल में आ जाएगा। अब ये भी बताएं कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सरकार की तैयारी मार्च के पहले हफ्ते में तो हर हाल में सीए को लागू करने की है। देखिए, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2019 में सीए को संसद से पास कराया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया था। फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, उनको सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। जब सीए को संसद से मंजूरी मिली थी, उसके बाद देश भर में इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था।
संसद में भी इसे लेकर काफी बहसबाजी हुई थी। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला किया था। थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं कि इसका, पहले समझिए कि क्या नागरिकता कानून CAA क्या है। अब नागरिकता अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों में जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता देता है। यानी कि इस कानून के तहत 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए उन लोगों को भारत नागरिकता दी जाएगी जो 2014 तक किसी ना किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आकर बस गए थे। 3 देशों से आए विस्थापित लोगों को नागरिकता लेने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। कानून के तहत 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलते ही मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। अब ये आपको बता दें कि पहली बार आखिर कब आया था ये बिल, भारतीय नागरिकता कानून 1995 में बदलाव करते हुए संशोधित बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब लोकसभा से बिल पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। 2019 चुनाव में मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तब बिल दोबारा संसद में पेश किया गया। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब देशभर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। अब इसी दौरान देशभर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग समेत कुछ इलाकों में कई महीनों तक धरना प्रदर्शन चला था। अब इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी यहां उठता है कि चुनाव से पहले ही CAA लागू करने का ऐलान क्यों? अब पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए CAA लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। अगर आपको याद होगा, बीजेपी का मानना है कि CAA हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू वोटरों को उनकी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां पहले से ही बड़ी हिंदू आबादी है। अब बीजेपी CAA को देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए एक कदम के रूप में पेश कर रही है। इस तरह बीजेपी खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि CAA मुस्लिम विरोधी है और भारतीय संविधान के समानता के नियम का उल्लंघन करता है। अब ऐसे में बीजेपी विपक्ष को CAA के विरोध को मुस्लिम तुष्टिकरण के रूप में पेश कर सकती है जो उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को मजबूत कर सकता है। अब इसे लागू करने पर चुनावों के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है जिसका पूरा पूरा लाभ भाजपा और NDA में उसके सहयोगी दलों को मिलना तय माना जा रहा है। ये भी एक बड़ा गेम चेंजर जो है वो माना जा रहा है। अब देखिए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह यहाँ कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को हासिल करने की, बीजेपी का बड़ा फोकस बंगाल भी है जहां बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। थोड़ा समीकरण समझे तो बंगाल में सियासी जड़े जो जमाने की कोशिश में बीजेपी है उसको लेकर क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी काफी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। इनकी आबादी अच्छी खासी है, ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। अब CAA लागू होने से इनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और 2024 चुनाव में बीजेपी मतुआ समुदाय को लुभाकर अपनी सियासी जड़ें मजबूत करना चाह रही है। 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी मतुआ समुदाय पर पकड़ बनाकर ही बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2014 चुनाव में बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीट थी, सिर्फ 2, और 2019 चुनाव में बढ़कर 18 सीटें हो गई। और फिर 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। यानी बीजेपी का जो ग्राफ था वो बंगाल में धीरे धीरे बढ़ता गया। अब बीजेपी की इस बढ़त के पीछे मतुआ समुदाय की अहम भूमिका रही थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर CAA का दाव चल दिया है और ये दाव बीजेपी के लिए बंगाल में संजीवनी साबित हो सकता है।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी 80 और महाराष्ट्र 48 के बाद बंगाल 42 तीसरे सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ एक और सवाल यहां खड़ा होता है कि सीए लागू होने से कहां क्या बदल जाएगा, बड़ा सवाल है। नागरिकता संशोधन कानून पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन इसका प्रभाव उन राज्यों में सबसे ज्यादा दिखाई देगा जहां पहले से ही विदेशी नागरिकों की बड़ी संख्या है। इनमें ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, और नॉर्थ ईस्ट अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। पिछले दशकों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अत्याचार से परेशान होकर बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आने लगे। अब पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है और इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों में बस गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ हालात दूसरे राज्यों के हैं। इन राज्यों में रहने वाले मूल निवासियों को डर है कि सीए लागू होने से अल्पसंख्यकों का दबदबा जो है वो बढ़ जाएगा। अब नागरिकता मिलने पर उन्हें सरकारी नौकरियों में भी अधिकार मिलेगा और धीरे धीरे दूसरे देश से आए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर भी कब्जा जो है वो कर लेंगे। अब जब सीए को लेकर अमित शाह ने प्रस्ताव रखा तो देश में एक आक्रोश दिखा। जहां 2019 की अगर बात करें तब लोकसभा में अमित शाह ने ये बिल पेश किया तो क्या कहा उन्होंने, पहले आपको वो सुनाते हैं। इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक होंगे। मान्यवर, सुबह बहुत सारी चर्चा होती थी कि इसे किसी को सिंगल आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाने की बात है। माननीय, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, ये विधेयक ध्यान से अगर कोई मेरे बात को सुनेगा, फिर से विधेयक को पढ़ेगा, तो मैं ये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70-70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और यह उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था, 1857 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, आपने अमित शाह को सुना और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सुना, जहां पर उन्होंने जो बिल है वो फाड़ा और ये कहा कि हम इस बिल को नहीं मानते। वहीं अमित शाह ने कहा कि ये जो कानून है ये सबको न्याय दिलाएगा। अब देखिए, कानून तो बन गया और आपको अमित शाह की बंगाल की वो बात भी सुना देते कि क्या कुछ उन्होंने बंगाल दौरे पे कहा, पहले आप वो सुनिए। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है, बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। तो आपने अमित शाह को सुना। देखिए, जब वो बंगाल गए थे तो उन्होंने सीए पर क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। तीन देशों के प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के लिए क्या है वो हम आपको बताते हैं। सीए से किसे मिलेगी नागरिकता?
अब देखिए सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग की नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। वहीं सीए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा, ये भी बड़ी अपडेट है। भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है, संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। आवेदन के लिए देखिए क्या प्रक्रिया होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए थे, यानी कौन से साल में आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, तब भी आवेदन कर पाएंगे आप लोग। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है। इन देशों के गैरकानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा? लोगों ने बड़ा सवाल पूछा था कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा, तो वहीं सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है, इसका गैरकानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों को भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। अब वहीं सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार, बड़ा सवाल। लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर 4 साल तक ये क्यों टलता रहा। भाजपा शासित असम त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंकाएं रही है। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ। सीएए में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। वहीं सीएए को लेकर लोगों को क्या आशंका थी, उनको देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीडी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा और पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके बाद यहां लौट आएंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सीए लागू हुआ तो नागरिकता के लिए आप अच्छी तरीके से जो आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है। अब आमतौर पर कानून भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना अनिवार्य होता है, लेकिन सीएए लागू होने के बाद 3 देशों के 6 समुदाय के लोगों को 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों और धर्मों के लोगों को नागरिकता लेने के लिए 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा। नई नागरिकता कानून के मुताबिक सभी शर्तें पूरी करने वाले शरणार्थियों को नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, बस उन्हें वो साल बताना है जब वो भारत में आए थे, यानी कि जब उन्होंने भारत में एंट्री ली थी। अब नागरिकता से जुड़े सभी मामलों की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता दे दी जाएगी, यानी कि आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया में राज्य सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमने आपको बताया किस तरह सीएए 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले लागू हो सकता है। अब ये एक बड़ा फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को आगामी चुनावों में, क्योंकि लोकसभा से जस्ट पहले सीए लागू करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होगा इस कानून को लेकर।